हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएसटी टीचर शिखा एंड एसएसटी 1 के चैप्टर 11 में आज हम पढ़ने वाले हैं पीपल हु हेल्प अस का चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिससे आपको कंप्लीट चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter, chapter number 11, and the name of the chapter is People Who Help Us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन पीपल के बारे में, उन लोगों के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। तो चैप्टर का मेन पॉइंट देखते हैं कि आज हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीपल इन अवर नेबरहुड का टॉपिक। मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं लेट्स वार्म अप सेक्शन में आज हमें कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी गई है। चूज द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट इन द गिवन ब्लैंक। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों में से, हर क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, इनमें से आपको एक करेक्ट वर्ड चूज करना है और वो ये जो ब्लैंक है यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट देखते हैं फिट्स द पाइप। पाइप कौन फिट करता है हमारे घरों में, प्लम्बर फायरमैन। तो करेक्ट आंसर इज प्लम्बर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लम्बर। मेन चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। वी कैन नॉट डू ऑल अवर वर्क ऑन अवर ओन, वी नीड हेल्प ऑफ सम पीपल टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। हम सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, हमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए दूसरे लोगों की नीड होती है और ऐसे लोगों को बोला जाता है हमारे हेल्पर्स, आर हेल्पर्स। तो देखते हैं पीपल इन अवर नेबरहुड की इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं। देयर आर मैनी पीपल इन अवर नेबरहुड हु हेल्प अस इन मैनी वेज, दे मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी। हमारे नेबरहुड में, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं ऐसे कुछ लोगों के बारे में जो हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। सबसे पहले है फार्मर। फार्मर क्या करता है, हमारे लिए क्रॉप को ग्रो करता है एज अ फूड जिसको हम खाते हैं। अ मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क फॉर अस, मिल्कमैन हमारे लिए दूध लेकर आता है। अ टीचर टीचेस अस, टीचर हमें पढ़ाती हैं। अ स्वीपर स्वीप्स स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, जो स्वीपर होता है वो क्या करता है, स्ट्रीट्स और हाउसेस को साफ करता है। अ मेसन बिल्ड्स अवर हाउसेस, मेसन हमारा घर बनाता है। अ पोस्टमैन डिलीवर्स अवर लेटर्स, पोस्टमैन हमारे लेटर्स को एंड कुरियर को डिलीवर करता है। अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज, कॉबलर जो है हमारे शूज को ठीक करता है, मेंड करता है, मरम्मत करता है उनकी। अ डॉक्टर लुक्स आफ्टर अवर हेल्थ, डॉक्टर हमारी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं। अ कारपेंटर मेक्स अवर फर्नीचर, कारपेंटर हमारा फर्नीचर बनाता है। अ बार्बर कट्स अवर हेयर, बार्बर हमारे बाल काटता है। अ वॉशरमैन वॉशेज अवर क्लोथ्स, वॉशरमैन यानी कि धोबी हमारे कपड़े धोता है। अ प्लम्बर फिट्स एंड रिपेयर्स अवर वाटर पाइप्स, और जो प्लम्बर है वो हमारे घरों में जो नल का काम होता है, वाटर पाइप का काम होता है, उनको ठीक करता है। अ गार्डनर लुक्स आफ्टर द गार्डनर, और जो गार्डन है उसकी देखभाल कौन करता है, गार्डनर करता है यानी कि माली करता है। आवर हेल्पर्स हेल्प अस अ लॉट, हमारे जो हेल्पर्स हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। वी शुड बी गुड एंड पोलाइट टू देम, हमें उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और उनके लिए हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। वी शुड ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट, और हमें उनसे लव एंड रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, काम छोटा हो या बड़ा हो, सभी काम इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सोचिए अगर किसी दिन मिल्कमैन आपके घर पे दूध लेके ना आए तो आपको कितनी प्रॉब्लम होगी, आपको खुद जाना पड़ेगा मार्केट तक मिल्क को परचेज करने के लिए। अगर किसी दिन स्वीपर ना आए तो आपका घर नहीं साफ होगा, आपकी स्ट्रीट्स नहीं साफ होंगी। तो जितने भी हेल्पर्स या इनके अलावा जो और हेल्पर्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं, हमारा काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। तो हमें कभी भी उनको इन्फीरियर कंसिडर नहीं करना चाहिए और उनके काम को भी उतना ही इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए जितना हम अपने काम को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट यानी कि लेट्स डू इट की तरफ, और लेट्स डू इट में देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं। ए इज टेक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें क्या करना है,
क्वेश्चन पढ़ना है, उसके चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है तो उसको टिक करना है. फर्स्ट इज अ स्टिचेस अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है, अ टेलर. सेकेंड क्वेश्चन, अ डिलीवर्स अवर लेटर्स, अ पोस्टमैन. थर्ड, अ लुक्स आफ्टर द गार्डन, गार्डनर. एंड फोर्थ, अ ब्लैक स्मिथ मेक्स थिंग्स ऑफ आयरन. बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स. अब आपको यहाँ पे करेक्ट वर्ड फिल करना है ब्लैंक्स में. फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट डू ऑल अवर वर्क ऑन अवर ओन. सेकेंड, हेल्प अस मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल एंड ईजी. थर्ड, आ लुक्स आफ्टर द गार्डन, ए गार्डनर. फोर्थ, आवर हेल्पर्स हेल्प अस अ लॉट. सी देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट. अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनको पढ़ना है एंड बताना है कि वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है. फर्स्ट इज अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स इन हिज फील्ड, ट्रू. सेकेंड, अ स्वीपर वॉशेज अवर क्लोथ्स, फॉल्स. अ प्लम्बर रिपेयर्स अवर वॉटर पाइप, येस दिस इज ट्रू. अ पोस्टमैन ब्रिंग्स मेडिसिन फॉर अस, फॉल्स. डी पार्ट देखते हैं, मैच द फॉलोइंग. अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से मैच करेंगे. अ डॉक्टर क्या करता है, ट्रीट्स द पेशेंट. टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स. कॉबलर मेंड्स अवर शूज. एंड बार्बर कट्स अवर हेयर. सो स्टूडेंट, दिस वॉज अवर टूडेज चैप्टर. आई होप आपको कंप्लीट चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया है. एंड दिस वॉज अवर टूडेज वीडियो. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय.